हेलो नमस्कार, मैं आदित्य मिश्रा अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हमारा चैनल लोकस पॉइंट। तो आज से हम शुरू करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। किसी भी परीक्षा को अगर हम देखें, कोई भी एग्ज़ाम, आने वाले भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी में आधुनिक भारत का इतिहास बहुत महत्व रखता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसकी जो शुरुआत हम करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास की, ये हम करेंगे 1857 की क्रांति से, जिसको रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 भी बोला जाता है। 1857 की क्रांति भारत के इतिहास में इस क्रांति का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यही वो क्रांति थी, यही वो संग्राम था जिसने भारतीयों को आज़ादी की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा दी या आज़ादी की लड़ाई की नींव रखी थी। तो आइए देखते हैं इस क्रांति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, उनमें से क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्यों, क्या क्या मेन मेन पॉइंट्स हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे जो पहली बात कि 1857 की क्रांति, ये भारत में हुई सबसे पहली क्रांति थी जिसने अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार की जड़ों को चोट पहुंचाई थी और उनको सोचने पर मजबूर कर दिया था, उनको डरा दिया था। तो 1857 की क्रांति जो थी, ये पहली ऐसी क्रांति थी जिसने अंग्रेजी सरकार की जड़ों को चोट पहुंचाई। इस क्रांति की शुरुआत सैनिकों ने की थी, सबसे पहला जो विद्रोह था वो सैनिकों ने किया, और उसके बाद इसमें धीरे धीरे करके भारत की आम जनता भी शामिल होती गई। हालांकि आगे चल करके ये क्रांति विफल हो जाती है, असफल हो जाती है, उसके भी कुछ कारण आते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये एक विचारधारा को जन्म दे जाती है। इस क्रांति के स्वरूप को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं इतिहासकारों ने की हैं, जिसमें आपको जो चीज़ें मिलेंगी इसके स्वरूप को लेकर के जो चीज़ें कही गई हैं, उसमें आपको साफ दिखेगा जो विदेशी हमारे लेखक हुए हैं, विदेशी मूल के लेखक हैं, उन्होंने तो हमेशा इसको सैनिक विद्रोह से ज़्यादा कुछ भी नहीं बताया और भारतीयों के विरुद्ध ही टिप्पणी की है। लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय मूल के लेखक हैं, भारतीय लेखक हैं, उन्होंने इसको राष्ट्रीय आंदोलन की संज्ञा भी दी है। तो देखते हैं इसके स्वरूप को लेकर के इतिहासकारों ने जो अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ आती है कि इसको सैनिक विद्रोह भी कहा गया। लगभग सभी जितने विदेशी लेखक हैं उन्होंने इसे सैनिक विद्रोह कहा। सैनिक विद्रोह कहने वाले जो मुख्य लेखक हैं, जो मुख्य नाम आते हैं, वो सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन शीले और ट्रेवेलियन के नाम आते हैं। इन तीनों ने ही इसको केवल और केवल सैनिक विद्रोह बताया था। एक नाम आता है T.R. होम्स का। इन्होंने बोला कि ये जो क्रांति जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन्होंने इस क्रांति के लिए जो लाइन बोली वो थी कि ये सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर सभ्यता का मतलब जो था इनका, वो था ब्रिटिश रूल के लिए, और बर्बर जो बताया था इन्होंने भारतीयों को और क्रांतिकारियों को बताया था। तो इन्होंने कहा कि सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष था। दूसरे इतिहासकार L.E.R. रीस हुए, इन्होंने कहा कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो ईसाई धर्म को वो मानने वाले थे, और भारतीय जो थे, भारतीयों को L.E.R. रीस ने धर्मांधों की संज्ञा देते हुए लिखा कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। W.T. नाम के जो इतिहासकार हुए, इन्होंने हिंदू मुस्लिम के षड्यंत्रों का परिणाम बताया है इस क्रांति को। किसी भी विदेशी मूल के लेखक ने कहीं पर भी अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा है, सब ने आप देखिए या तो सैनिक विद्रोह बताया, किसी ने सभ्यता बर्बरता के बीच संघर्ष कहा, किसी ने धर्मांध बताया भारतीयों को, तो किसी ने हिंदू मुस्लिम के बीच षड्यंत्र बताया। लेकिन जो भारतीय मूल के लेखक हैं, राष्ट्रीय सोच वाले जो हमारे लेखक हैं भारत के, उन्होंने इसको जो संज्ञा, जो नाम दिया वो था राष्ट्रीय विद्रोह। राष्ट्रीय विद्रोह नाम देने वाले जो मुख्य लेखक हैं, इतिहासकार हैं, वो हैं अशोक मेहता। इन्होंने अपनी पुस्तक, अपनी किताब द ग्रेट रिबेलियन में इसको राष्ट्रीय विद्रोह बताया है, 1857 की क्रांति को। याद रखिएगा, अशोक मेहता ने अपनी किताब द ग्रेट रिबेलियन में राष्ट्रीय विद्रोह बताया है 1857 की क्रांति को। साथ ही साथ एकमात्र विदेशी लेखक बेंजामिन डिज़राइली ने बोला था कि ये जो 1857 की लड़ाई थी या संग्राम था, ये केवल ना केवल सैनिक विद्रोह था बल्कि राष्ट्रीय विद्रोह भी था। ये केवल एकमात्र विदेशी लेखक हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। याद रखिएगा, बेंजामिन डिज़राइली, ये ब्रिटेन संसद की मेंबर, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर हैं।
ये जो स्टेटमेंट दिया है ये 27 जुलाई 1887 को दिया है। इसके बाद प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम इसको बोला गया, और ये बोलने वाले थे वी डी सावरकर, जिनको हम वीर सावरकर के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, वीर सावरकर, वी डी सावरकर, इन्होंने अपनी किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में लिखा कि ये प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा इन्होंने 1909 में अपनी किताब में लिखा, लेकिन उसके एक साल बाद ही अंग्रेजी सरकार ने इनको गिरफ्तार कर लिया और इनको 2 आजीवन कारावास की सज़ा दी गई, जो आप सभी को मालूम है। इन्हीं को आगे काला पानी की भी सज़ा दी गई थी, और साथ ही साथ इस किताब को पब्लिश करने पर बैन लगा दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। इन्होंने पब्लिश की लेकिन उसके बाद इस पर बैन लगा दिया गया। ये थे वीर सावरकर, जिन्होंने इसको प्रथम सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी। 1947 के बाद क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं इसके स्वरूप को लेकर के, आइए अब उनकी बात करते हैं हम। तो यहाँ पर 2 नाम आएंगे, एक हैं आर.एस. मजूमदार और दूसरे हैं सुरेंद्र नाथ सेन। तो आर.एस. मजूमदार के बारे में मैं आपको पहले बताऊँ कि भारत के आज़ाद होने के बाद भारतीय सरकार ने आर.एस. मजूमदार से बोला कि आप भारत का इतिहास लिखिए। सबसे पहली बार इन्हीं को भारत का इतिहास लिखने को बोला गया था, लेकिन फिर आगे चल के कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं इनके बीच में और सरकार के बीच में, और उसके बाद सुरेंद्र नाथ सेन को बोला जाता है कि आप भारत का इतिहास लिखिए। वो डिस्प्यूट्स होने के पीछे की वजह भी आपको अभी समझ में आएंगी आगे जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आर.एस. मजूमदार किस सोच के लेखक थे, शायद यही कुछ डिस्प्यूट्स के कारण रहे होंगे जिसकी वजह से ये जो इतिहास लिखने का कार्य था ये सुरेंद्र नाथ सेन को दे दिया गया। तो आर.एस. मजूमदार को इतिहास लिखने का कार्य दिया गया था, लेकिन उसके बाद इनको रोक दिया गया, लेकिन इन्होंने फिर भी अपनी किताब द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 जो 1957 में पब्लिश हुई, उसमें इन्होंने लिखा कि तथा कथित, ध्यान दीजिएगा, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि ये किस सोच के लेखक होंगे, और यही शायद वजह रही होगी कि सरकार ने इनको इतिहास लिखने से मना किया, और आगे चल करके सुरेंद्र नाथ सेन जी को बोला गया, और फिर इन्होंने अपनी किताब 1857 जो 1960 में पब्लिश हुई उसमें लिखा कि ये जो 1857 की क्रांति थी ये धर्म के युद्ध से प्रारंभ होने वाली क्रांति थी जो स्वतंत्रता के संग्राम पर समाप्त हुई। ध्यान दीजिएगा, आर.एस. मजूमदार की किताब का नाम है द सिपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, सुरेंद्र नाथ सेन की किताब है 1857। यहाँ पर जो सुरेंद्र नाथ सेन की किताब है ये वो किताब है जो इन्होंने भारतीय सरकार, भारत सरकार की तरफ से लिखी इतिहास की। तो इस दोनों चीजों को ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए बात करते हैं 1857 की जो क्रांति हुई उसके कारण क्या थे। ये बहुत बड़ी क्रांति थी, इसके कुछ प्रमुख कारण भी रहे हैं। उन कारणों को अलग अलग तरह से हमने कैटेगराइज अगर किया है तो उसके जो कैटेगराइजेशन है वो है, नंबर एक राजनैतिक कारण, दूसरा था सामाजिक और धार्मिक कारण, तीसरे आर्थिक कारण थे, सैन्य कारण थे या सैनिक कारण थे, और कुछ उस समय के अन्य तात्कालिक कारण थे। तात्कालिक मतलब उस समय के कुछ अन्य कारण भी थे जिनकी वजह से ये विद्रोह हुआ, ये क्रांति हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या थे 1857 की क्रांति के राजनैतिक कारण। तो राजनैतिक कारणों की अगर बात करें तो मुख्य रूप से 4 पॉइंट आते हैं यहाँ पर, जिसमें से पहला है कि मुगल उस वक्त ब्रिटिश सरकार से नाराज थे, तो मुगलों की नाराजगी एक बड़ा कारण था। फिर मराठे भी नाराज थे, मराठा जो महाराष्ट्र की तरफ थे तो मराठे भी नाराज थे। अवध के नवाब, अवध का मतलब यहाँ वर्तमान लखनऊ से है, तो अवध के नवाब भी उस समय ब्रिटिश सरकार से नाराज थे, और बम्बई के जागीरदार या रियासतदार जो लोग थे वो भी ब्रिटिश सरकार से नाराज थे। ये 4 प्रमुख पॉइंट हैं, राजनैतिक प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से ये क्रांति आगे बढ़ी या जो इस क्रांति का कारण बने। तो
तो इन पर आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले कि पहला जो कारण है मुगलों की नाराज़गी। मुगलों की नाराज़गी के क्या क्या कारण रहे हैं तो आइए बात करते हैं। यहाँ पर दो नाम आते हैं जिनमें पहला है गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड और दूसरे आएंगे गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड ऑकलैंड के बारे में देखते हैं क्या क्या इन्होंने किया। उस समय जो मुगलों के सम्राट होते थे, मुगल सम्राट का एक जो क्रियाकलाप होते थे उसमें तीन चीज़ें मुख्य होती थी, नज़र लेना, खिल्लत देना और दरबार लगाना। नज़र लेने का मतलब होता था जब कहीं सत्ता परिवर्तन होते थे तो जो सूबेदार होते थे वो उस समय मुगल सम्राट को नजराने के तौर पर या गिफ्ट के तौर पर, तोहफे के तौर पर कुछ धनराशि देते थे या कुछ तोहफे देते थे। इन तोहफों से ये माना जाता था कि जो मुगल सम्राट है वो सुपीरियर है, ये सुपीरियरिटी का एक सिंबल था, तो इस पर भी रोक लगाई। फिर खिल्लत देना, खिल्लत एक ड्रेस थी, चमकीले रंग का एक कपड़ा होता था जिस पर मुगल सम्राट का सिंबल होता था या उससे संबंधित कोई चिन्ह होता था। ये कपड़ा मुगल सम्राट किसी को पुरस्कृत करने के लिए देते थे और जिसके पास ये कपड़ा होता था उसको भी एक सुपीरियरिटी की फीलिंग होती थी वो उस कपड़े को जब पहनता था, तो इसको बोला जाता था खिल्लत देना। और तीसरा था प्रत्येक शुक्रवार को मुगल सम्राट जनता के संबंधित मुद्दों को न्याय देने के लिए दरबार लगाते थे। तो ये तीन मेन कार्य जो मुगल सम्राट करते थे इन पर लॉर्ड जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने बैन लगा दिया। ये पहला कारण था, गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने नज़र लेना, खिल्लत देना और दरबार लगाना, इन तीनों चीज़ों पर बैन लगा दिया, यानी इनको प्रतिबंधित कर दिया। इसके बाद दूसरा जो नाम मैंने बताया था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, इनका जो काल है, समय है, वो है 1848 से लेकर के 1856 तक का। इन्होंने उस वक्त मुग़ल जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, मुग़ल बादशाह को कुछ इन्होंने आदेश दिए, वो क्या थे आइए देखते हैं। इन्होंने बोला कि लाल किले को खाली करिए और कुतुब मीनार के पास जा करके कहीं आप रहिए जा करके। तो पहला तो ये बोला, दूसरा बोला कि बादशाह की उपाधि को आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज़ों का या ब्रिटिश लोगों का मानना ये था कि हम सबसे ऊँचे हैं तो बादशाह की उपाधि कोई और नहीं रख सकता, वी आर द सुपीरियर, हम सबसे ऊपर हैं। तो उनको बोला कि लाल किला खाली करो, बादशाह की उपाधि आप त्यागो और पुत्र ना होने पर आपको किसी को भी उत्तराधिकारी बनाने का अधिकार नहीं होगा, ये अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रख लिया। इस कारण से बहादुर शाह जफर भी नाराज़ हुए और यही रीज़न थे कि मुग़ल ब्रिटिश सरकार से नाराज़ होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मराठों की नाराज़गी की। तो मराठों की नाराज़गी से पहले आपको मैं बताऊंगा कि पेशवा एक नाम आता है, पेशवा एक पद है, पदवी जिसको बोलते हैं। तो शिवाजी के समय में जो प्रशासन चलता था उस प्रशासन में सहयोग के लिए जो मंत्री परिषद होती थी जिसमें 8 लोग मुख्य रूप से होते थे, जिसको जिनको अष्ट प्रधान बोला जाता था, उस मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान बोला जाता था। उस अष्ट प्रधान का जो सर्वोच्च पद, सबसे ऊँचा पद होता था वो होता था पेशवा। तो जो अंतिम पेशवा हुए हैं वो हैं बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय जो थे उनके कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने नाना साहब को गोद लिया। ये दोनों ही नाम याद रखिएगा, बाजीराव द्वितीय और नाना साहब, ये आगे भी आएंगे। तो बाजीराव द्वितीय के कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने नाना साहब को गोद लिया। लेकिन बाजीराव द्वितीय की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद नाना साहब को जो मिलने वाली पेंशन थी जो ब्रिटिश सरकार देती थी उसको ब्रिटिश सरकार ने ये कह के बंद कर दिया कि ये पेंशन हमने पेशवा पद को नहीं दी थी, हमने बाजीराव द्वितीय को पर्सनली दी थी, व्यक्तिगत तौर पर दी थी, ये किसी पद को पेंशन नहीं दी गई थी, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। तो इस पेंशन को बंद करना एक बड़ा कारण बना मराठों की नाराज़गी का। तीसरा आता है अवध के नवाब की नाराज़गी। अवध यानी लखनऊ। तो लखनऊ के जो उस समय नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। तो जो सबसे, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 1802 में
बंगाल के गवर्नर वेलेजली ने भारतीय रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने के लिए एक सहायक संधि व्यवस्था लाई, जिसको घेरे की नीति या पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस बोला जाता था। ये थी क्या कि जहाँ जहाँ पर ब्रिटिश साम्राज्य था, जिन राज्यों में अगर अंग्रेजों को लगता था कि उसके आसपास या उसके पड़ोसी राज्य से हमें खतरा है, तो बेहतर ये मानते थे कि हम उस राज्य की घेराबंदी कर दें। तो ये क्या करते थे, पहले उस राज्य से मित्रता करते थे, फिर उसके चारों तरफ उनको सुरक्षा कारणों से सेनाएं लगा देते थे और इस तरह से ये उस राज्य को घेर देते थे और अपनी सुरक्षा कर लेते थे और फिर धीरे धीरे उसको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लेते थे। तो इन्होंने यही अवध में किया। अवध के नवाब वाजिद अली शाह, अवध के नवाब अंग्रेजों के बहुत खास रहे थे, बहुत खास थे, लेकिन अंग्रेजों ने उनके साथ भी धोखा किया। हुआ क्या, 1856 में जो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उन पर कुशासन का आरोप लगाया गया और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। कैसे मिलाया गया, आइए वो देखते हैं। अवध की सीमा पर ब्रिटिश सेना लगा दी गई, ये कहकर कि ये सुरक्षा की दृष्टि से है। ब्रिटिश सेना लगाने के बाद अवध को चीफ कमिश्नर राज्य घोषित कर दिया गया और वहाँ पर चीफ कमिश्नर की नियुक्ति कर दी गई। तो इस तरह से अवध बन गया पहला चीफ कमिश्नर राज्य और पहले चीफ कमिश्नर हुए हेनरी लॉरेंस। तो इस तरह से जो पूरा प्रशासन या पूरी कमान थी अवध की, वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले ली, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले ली, जिससे अवध नवाब और अवध के लोग नाराज हुए। इसके बाद आता है बम्बई के रियासतदारों की नाराजगी। रियासतदार या जागीरदार, जिनको हम कह सकते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज़ या जो रियासतें थी वहाँ की, वो भी नाराज़ हुए। उसका क्या कारण था, तो 1854 में ब्रिटिश न्यायाधीश थे लॉर्ड इनाम, उनके नेतृत्व में लॉर्ड डलहौजी ने एक इनाम कमीशन का गठन किया और उनको ये जिम्मेदारी दी कि वो बम्बई के 35,000 जागीरों का निरीक्षण करेंगे। इस निरीक्षण को आधार बना करके उनमें से 20,000 जागीरों पर कुशासन का आरोप ब्रिटिश सरकार ने लगाया और उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो इस क्रियाकलाप से बम्बई के रियासतदार नाराज़ हो गए। ये चार प्रमुख पॉइंट हैं जो मुख्य राजनीतिक कारण बनते हैं 1857 की क्रांति के। क्या थे ये, मुगलों की नाराज़गी, मराठों की नाराज़गी, अवध के नवाब की नाराज़गी और बम्बई के जागीरदारों की नाराज़गी। तो यहाँ पर राजनीतिक कारण समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आर्थिक कारणों की, सामाजिक कारणों की, धार्मिक कारणों की, सैन्य कारणों की और अन्य तात्कालिक कारणों की। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।